ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਠੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਲੇਜ इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकारी खजाने भरने में शराब की बिक्री सबसे अहम होती है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों अरबों की कमाई शामिल रहती है, जिस वजह से इस विभाग पर सरकार की लिहाजी नजर भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, ये लोग बिगड़े शहजादे की तरह विभाग तो मनमानी करते ही है। स्थानीय शराब के ठेकों पे काम करने वाले व्यापारी मालिकों कर्मचारियों की और सभी लोगों पर पूरी धौंस रहती है। पुलिस प्रशासन भी देखकर इन्हें अनदेखा करता है, आखिरी कमाऊ बेटे जो ठहरे। बीती रात भी सेवसी की टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सैनी के नेतृत्व में इन बिगड़े शहजादों की कार्यशैली को देखने स्थानीय ठेकों के दौरे पर ये टीम निकली। समय था लगभग रात 12:15 बजे। हमने देखा ठेके खुले हुए थे, बल्कि खरीदार भी मौजूद थे। भाई, अगर बेवक्त भी शराब मिल जाए तो कोई क्यों ना ले, क्यों सुने किसी की बात, आखिर अपने पैसों से लेते हैं। दूसरे सौभाग्य तो देखिए कि पीसीआर टीम से भी मुलाकात हुई टीम की, जिसके चलते उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि ठेकों के खुलने और बंद होने का समय क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कानूनी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो वे इसकी सूचना अपने आला कमान को भी देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अपने अफसरों के ध्यान लियाओगे? बिल्कुल सर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਠੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ 11 ਵਜੇ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ, ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ये तो थी पीसीआर टीम से बातचीत, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ठेकों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक रहता है। सुबह भी ये जल्दी आ धमकते हैं इन्हें खोलने के लिए और रात भी आधी रात तक ये दुकानदारी चलती रहती है। हालांकि कई बार सुबह सुबह शराब के ठेकों के खुलने पर कुछ लोगों की शिकायतें रही है कि उस समय बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने का समय होता है, सो उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। बावजूद इसके इन पर कोई असर नहीं है। दूसरी बात ये है कि हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर इन ठेकों को 24 घंटे खुला रखने की विशेष अनुमति इनके पास होती है, क्योंकि वहां पर यात्रियों का रात दिन आना जाना होता है और वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए स्थिति थोड़ी भिन्न है और उन्हें विशेष अनुमति मिली है, लेकिन इन लोगों के पास भी वही अनुमति मौजूद रहती है और उसी की प्रति की आड़ में ये अपना काम चला रहे हैं, वो भी धड़ल्ले से। जो सरेआम लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना ही नहीं है तो और क्या है? यानी कि अन्य सुविधाएं मिले ना मिले, दारू की सुविधाएं बरकरार है सरकार की ओर से। भले ही कानूनी उल्लंघन हो या ना हो, उन पर कोई फर्क नहीं है। आलम यह है कि पुलिस प्रशासन भी बेखबर होने की बात करता है, जो कि पचती नहीं। भला कौन करे यकीन तेरी इस वफा पर, तू बेवफा, तेरा लहजा भी बेवफा।